हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। कैसे हैं सभी? आई होप सभी बहुत बढ़िया होंगे और अच्छा कर रहे होंगे, लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पर ये जानने की कोशिश करूँगी कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, उनका नेक्स्ट मूव क्या है और उनकी इंटेंशंस क्या हैं इस रिलेशनशिप के लिए। तो यहाँ पर मैंने 3 कार्ड रखे हुए हैं, आपको इनमें से जो भी पसंद आ रहा हो उसको आप चुनिएगा। उसके बाद हम चेक करेंगे आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स को और उनके थॉट्स, उनके इंटेंशंस। ओके, और रीडिंग हमेशा की तरह से जनरल है फ्रेंड्स, टाइमलेस है, आप जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी और जेंडर फ्री रीडिंग है। मेल फीमेल सभी का स्वागत है, वेलकम है। सभी लोग अपने अपने पार्टनर्स के लिए ये रीडिंग देख सकते हैं। शुरू करते हैं रीडिंग को। वेलकम कार्ड 1, हमारी जिन व्यूअर्स की चॉइस ये वाला कार्ड है। चेक करते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। थैंक यू गॉड, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मुझे गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू मेरे सभी असेंडेड मास्टर्स, थैंक यू सो मच सभी एंसेस्टर्स, थैंक यू। बॉटम ऑफ डेक डेथ। तो यहाँ पर पहले मैं आपको राशियाँ बता देती हूँ। यहाँ पर फायर साइन है एरीज, लियो सेजिटेरियस, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। तो यहाँ पर 3 एलिमेंट मुझे दिख रहे हैं। फ्रेंड्स, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए ये है कि वो आपको समटाइम वो आपको बहुत नर्चरिंग देखते हैं और समटाइम वो आपको थोड़ा सा अग्रेसिव देखते हैं। उनकी जो आपके लिए करंट फीलिंग है वो थोड़ी मिक्सअप वाली है। उनको लगता है कि कभी कभी आप इतने ज़्यादा नर्चरिंग हो जाते हो, इतने पोलाइट हो जाते हो कि उनको ये लगता है कि बस आपकी गोद में सिर रख कर लेटे रहें और आप बस उनको बच्चों की तरह से पैम्पर करती रहो, प्यार करती रहो। और सम टाइम जब वो आपके कॉल्स नहीं देखते हैं, आपके मैसेजेस का आंसर नहीं करते हैं, रिप्लाई नहीं करते हैं, थोड़ा सा टाइम लेते हैं, उस टाइम आप एकदम से अग्रेसिव मोड में आ जाती हो। ऐसी उनकी कुछ करंट फीलिंग्स आपके लिए अभी इस टाइम चल रही हैं, मिक्स सिग्नल वाली फीलिंग्स वो आपको लेकर सोच रहे हैं अभी। किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, उनको बहुत सारी दुविधा होती है। सम टाइम वो जब सोचना चाहते हैं आपके बारे में और आपको समझना चाहते हैं तो उनको थोड़ी सी आप क्यूरियस लगती हो, थोड़ी सी कभी कभी आप मिस्टीरियस लगती हो और कभी कभी उनको ये लगता है कि वो आपको पूरी तरह से समझ चुके हैं और कभी कभी उनको ये लगता है कि जैसे वो आपको समझ ही नहीं पाएंगे। कुछ ऐसी उनकी थिंकिंग रहती है आपको देखकर, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी ये सोच है आपके लिए कि आप दोनों एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हो या फिर आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो। आप एक दूसरे को मिरर करते हो, आप जब एक दूसरे के साथ चलते होंगे या एक दूसरे के साथ रहते होंगे तो आपके अंदर, दोनों के अंदर एक ऐसा पुल रहता है, एक ऐसा मैग्नेटिक कनेक्शन रहता है कि दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण फील करते हैं।
जब आप दोनों मिलते होंगे उस वक्त आप अलग नहीं होना चाहते होंगे, और ये उनको इस टाइम बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। बेशक उन्होंने आपको नहीं बताया हो, आपसे नहीं कहा हो, लेकिन उनकी जो फीलिंग्स हैं वो यही हैं। उनको ये फील होता है कि वो जब भी आपसे मिलते हैं तो उनका मन करता है कि वो आपसे जुदा ना हो, अलग ना हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स। सम टाइम ये आपसे कुछ बातें छुपा जाते हैं, इनको आपसे थोड़ा सा डर लगता है, या इनको आपसे कुछ ऐसी इनसिक्योरिटी फील होती है कि ये कुछ बातें अपनी फैमिली की आपसे हिडन कर लेते हैं, आपसे छुपा लेते हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि उस वक्त ये बहुत इनडिसाइसिव रहते हैं, इनको ये नहीं समझ में आता है कि इनको वो बातें आपसे शेयर करनी चाहिए या नहीं, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, थोड़ा सा दुविधा में रहते हैं कि इनको आपको हर वो बात बतानी चाहिए या नहीं जो इनका दिल करता है कि आपको बता दें। तो उनकी ये करंट फीलिंग्स आपके लिए हैं थोड़ी सी मिक्स सिग्नल वाली। डेथ कार्ड है, हो सकता है कि उनकी लाइफ में अभी डार्क नाइट ऑफ सोल का वक्त चल रहा हो, डार्क नाइट ऑफ सोल के प्रोसीजर से वो गुजर रहे हो, इस वजह से आप दोनों थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे हो एक दूसरे को, या फिर आप कुछ कहना चाहते हो तो वो गलत समझ लेते हो, या वो कुछ कहना चाहते हो तो आप गलत समझ लेती हो, कुछ इस तरह की आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है इस वक्त। चेक करते हैं उनका नेक्स्ट मूव क्या है आपके लिए, उनका अगला कदम आपके लिए क्या होगा। बॉटम ऑफ डेक लेटर। जिन भी व्यूअर्स का अभी सेपरेशन चल रहा है या नो कॉन्टेक्ट में है, उनके लिए उनके पार्टनर की ओर से कोई लेटर या उनका टेक्स्ट मैसेज या ईमेल आ सकता है। तो यहाँ पर डेथ रिवर्स में है, इसको रिवर्स में ही लेते हैं। ये जो डार्क नाइट ऑफ सोल का प्रोसीजर था ये लगभग कंप्लीशन की ओर है, ये बस एंडिंग पे है। सबसे पहला कार्ड है मर्चेंट का, ये आपके पार्टनर अगर आपसे दूर हैं, नो कांटेक्ट में हैं, आपसे बात नहीं हो रही है, तो ये बहुत जल्द आपके पास आने वाले हैं। ये इंतज़ार कर रहे हैं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का, एक अवसर का, जब ये आपकी लाइफ में आ सकें। क्योंकि यहाँ पर ये जो मर्चेंट है ये रेडी खड़ा हुआ है और ये शिप का इंतज़ार कर रहा है, ये जो शिप है जहाज़ में, ये इसका इंतज़ार कर रहा है कि जैसे ही ये शिप आती है ये अपना सामान सारा उसमें लोड करके आपके पास पहुँचेंगे। तो ये आपके पार्टनर अभी इनके अंदर जितने भी उफान हैं, जितने भी उनकी फीलिंग्स हैं, जो उनके अंदर के जितने भी चीज़ें चल रही हैं या जितने भी ज्वालामुखी अंदर दबे पड़े हैं ना, वो सब आके आपको बताएंगे। ये पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं, ये आपके पास आना चाहते हैं। एज अ चैरियट इस कार्ड को देखती हूँ मैं, तो ये आपके पास आने के लिए रेडी हैं। इन्होंने पूरी तरह से कमर कस ली है, पूरी तरह से खुद को तैयार कर लिया है कि इनको आपके पास आना ही आना है। जॉयफुलनेस, ये आपके साथ बहुत हैप्पी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ये आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ये आपको देखने के लिए तरस रहे हैं, आपकी बातों को सुनने के लिए तरस रहे हैं, आपके चेहरे को देखने के लिए तरस रहे हैं, तो ये आपके पास आने के लिए व्याकुल हैं। कन्वर्सेशन, आप दोनों का बहुत लेंदी कन्वर्सेशन होने वाला है। हो सकता है कि आप दोनों एक साथ बैठकर एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर अपनी बहुत सारी दिल की बातें, दिल की ख्वाहिशें एक दूसरे के साथ शेयर करें, एक दूसरे को अपनी आप बीती सुनाएं। तो उनका जो अगला कदम है वो आपके लिए है कि वो आपके पास आना चाह रहे हैं, आएंगे, आपसे बातें करेंगे, आपके साथ बहुत सारा हैप्पी टाइम स्पेंड करेंगे। और शुरुआत होगी उनके मैसेज से, वो मैसेज करेंगे आपको कि वो आपके पास आ रहे हैं। चेक करते हैं उनका इंटेंशन क्या है आपके लिए।
उनका इंटेंशन क्या है आपके लिए। पहला कार्ड है नंबर 6 कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 2 डिसीट। तो जिन लोगों ने आप दोनों की लाइफ में रायते फैलाए हैं, जिन लोगों ने आप दोनों के रास्ते में कांटे बोए हैं या आप लोगों को सेपरेट करने का काम किया है, आप लोगों को एक दूसरे से दूर करने का काम किया है, सबसे पहले तो ये उनको अलग करेंगे अपनी लाइफ से कॉन्ट्रैक्ट। और इन्होंने ये ठान रखा है कि जितना भी आपके साथ इन्होंने गलत किया है, जितना भी आपको दुख दिया है, तकलीफ़ें दी हैं, उसका आप ये हिसाब किताब करेंगे। ये आपके लिए जस्टिस लेकर आ रहे हैं और यही वजह है कि ये आपको लेटर भी सेंड कर सकते हैं, आपको ईमेल सेंड कर सकते हैं, आपके पास आ सकते हैं और क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये कोई ना कोई आपको बिग कमिटमेंट ज़रूर से देंगे फ्रेंड्स। तो ये हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट मूव और उनका इंटेंशन। उनका इंटेंशन है कि वो आपके साथ जस्टिस करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर वीडियो में आपके आंसर्स मिले हैं आपको तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वेलकम कार्ड 2। हमारे जिन भी व्यूअर्स ने ये पीच कलर वाला हार्ट चुना है, देखते हैं आपके पार्टनर की आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूव और उनके इंटेंशंस। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू मेरे सभी असेंडेड मास्टर्स को, थैंक यू मेरे सभी एंसेस्टर्स को। प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मुझे गाइड कीजिए हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। बॉटम ऑफ डेक, डेथ। आज ये सेकेंड पाइल है, इसमें भी डेथ निकल कर आई है। बहुत सारे मेल व्यूअर्स की अवेकनिंग हो रही है, कुछ चीज़ें उनको रियलाइज़ कराई जा रही हैं यूनिवर्स की ओर से, डिवाइन की ओर से। टू ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ कप्स। तो पहले मैं आपको यहाँ पर साइन बता देती हूँ। यहाँ पर एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, एरीज लियो सेजिटेरियस। यहाँ पर तीन एलिमेंट हैं, स्कॉर्पियो। फ्रेंड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ कप्स। आप दोनों के बीच में कुछ अनबन हुई है या फिर आप दोनों के बीच में कोई हॉट टॉक हुई है या फिर कुछ गलत फहमियाँ हुई हैं या फैमिली मेम्बर्स के द्वारा कुछ ऐसा कहा सुना गया है जिसकी वजह से आप दोनों अपने अपने रास्तों पर जा रहे हैं। तो आपके पार्टनर को ये फीलिंग आ रही है एट ऑफ कप्स की कि सब कुछ लॉस्ट कर दिया है उन्होंने, सब कुछ ख़त्म हो गया है, खो गया है लाइफ से, कुछ भी बाकी नहीं है। और इधर आप भी हो कि आप अपनी उनके साथ जो लम्हे हैं, गुजारे हैं, उनकी यादों में आप खुद को जला रही हो। आप ये सोचती हो या सोचते हो कि पार्टनर यही रहेगा लाइफ में, ये नहीं तो कोई भी नहीं। और आपके पार्टनर को थोड़ी सी लॉस्ट वाली फीलिंग है, उनको ये लगता है कि लाइफ से सारी चीज़ें एंड हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं और काफ़ी दुखी हैं। अपने आप को डिवाइन को सरेंडर कर देना चाहते हैं, भगवान के चरणों में जाना चाहते हैं, ईश्वर की शरण में जाने की सोच रहे हैं। हो सकता है कि कुछ ध्यान, योगा, मेडिटेशन या फिर जिम वगैरह कुछ उन्होंने ज्वाइन किया हो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए, अपने खालीपन को दूर करने के लिए। द वर्ल्ड, टू ऑफ वॉन्ट्स। बहुत लोगों के साथ हो सकता है उनकी फ्रेंडशिप रही हो, बहुत लोगों के साथ मिले हों, हो सकता है कहीं ऐसी वर्क प्लेस पर हों जहाँ पर फीमेल्स भी बहुत हों, मेल भी बहुत हों, लेकिन
उनको किसी में आज तक वो बात नज़र नहीं आई है जो आपके अंदर नज़र आई है, या फिर आपके साथ उनका कोई पुराना रिश्ता है, पिछले जन्म का कुछ कार्मिक कनेक्शन है, पिछले जन्म की कुछ ऐसी अधूरी सी चीज़ें हैं जो आपको इस लाइफ में पूरी करनी है। यही रीज़न है कि आपको एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी फील होती है। जब आप दूसरे एक दूसरे की ऑरा में आते होंगे तो आपका अलग होने का मन नहीं करता होगा। तो आपके पार्टनर की जो भी थॉट है आपके लिए वो यही है, उनको ये लगता है कि कैसे इसको अपनी लाइफ में लाया जाए, किस तरीके से इसको अपनी ज़िंदगी में लाया जाए, क्योंकि उनको खुद भी नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर वो आपके लिए इतना पजेसिव क्यों हैं, आपके लिए इतना सोचते क्यों हैं, आपको लेकर इतने वरीड क्यों रहते हैं। उनको खुद भी ये बातें समझ में नहीं आ रही हैं, दुविधाग्रस्त रहते हैं, डबल माइंडेड हैं, कभी कुछ सोचते हैं कभी कुछ सोचते हैं। तो अभी उनकी आपके लिए जो थॉट है वो है मैरिज की, फोर ऑफ वांड्स। मैरिज करना चाहते हैं और चाहते हैं कि जीवन भर के लिए आपको गठबंधन में बांध लें, जीवन भर के लिए आपको अपनी साथी बना लें, अपनी अर्धांगिनी या अर्धांग बना लें, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि आपसे दूरी हो। और अगर कोई और रिलेशनशिप वो रखेंगे तो उसमें दूरियां जायज हैं, दूरी तो आ ही जाएगी, लेकिन सिर्फ एक पति और पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है जो हमेशा साथ रहता है, सिचुएशन कोई भी हो लेकिन दोनों एक दूसरे का साथ निभाते हैं मरते दम तक। तो अभी आपके पार्टनर यही सोच रहे हैं, करंट फीलिंग उनकी यही है कि वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, अपने साथ रखना चाहते हैं। डेथ कार्ड, उनको ये फीलिंग आती है कि अगर आपसे उनकी मैरिज नहीं हुई, अगर आप दोनों एज ए लाइफ पार्टनर साथ में नहीं हुए, तो उनके लिए जीवन काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा और ये ज़िंदगी उनको एक बहुत कठिन यात्रा की तरह से फील होगी। चेक करते हैं उनके नेक्स्ट मूव, उनका अगला कदम क्या होगा आपके लिए, उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा हमारे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू। थैंक यू। बॉटम ऑफ डेक, ओल्ड वुमेन। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था आपसे कि वो चाहते हैं आपसे मैरिज करें, विवाह करें, और आप दोनों एक साथ ओल्ड हों, एक साथ आप दोनों ओल्ड एज में जाएं। तो उनका जो नेक्स्ट मूव है आपके लिए वो ये है कि वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, मैरिज करने के बाद आजीवन आपके साथ, आपके सोलमेट, आपका लाइफ पार्टनर और एक तरीके से आपका केयर टेकर बन के रहना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर लाइफ टाइम के लिए आपके केयर टेकर बनना चाहते हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं, आपको प्यार करना चाहते हैं दिल से। अगला है चाइल्ड, वो आपके साथ चाइल्ड चाहते हैं, अपना बेबी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनके बच्चों की मदर बनो। स्वीट हार्ट, देखिएगा कितने खूबसूरत कार्ड निकल कर आए हैं। स्वीट हार्ट, वो चाहते हैं कि आप उनकी स्वीट हार्ट बनो, और यहाँ पर देखिए वो खुद को इमेजिन करते हैं कि वो आपकी केयर करेंगे, लाइफ टाइम के लिए आपके केयर टेकर बनेंगे, उनकी हैप्पी फैमिली होगी और आप उनकी स्वीट हार्ट बनोगी, ऐसा वो अभी सोच रहे हैं। उनका जो नेक्स्ट मूव है वो बेसक यही होने वाला है कि वो आपको अपनी लाइफ पार्टनर बनाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। और यहाँ पर देखिए बॉटम ऑफ डेक, ओल्ड वुमेन, तो वो आपको ताउम्र अपने पास अपने पत्नी बनाकर, अपनी धर्म पत्नी बनाकर, अपनी रानी बनाकर रखना चाहते हैं और आपके साथ ही मरते दम तक सांसें लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जब उनकी डेथ हो, जब वो मरें तो उनके साथ हो, वो चाहते हैं कि जब उनकी ओल्ड एज हो, जब जीवन का संध्या काल हो, उस वक्त आप उनके साथ रहो। उनका इंटेंशन क्या है आपके लिए, चेक करते हैं आखिर उनका इंटेंशन क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू। ओ माय गुडनेस, डोर टू रोमांस।
आपके साथ शादी करने के बाद उनको ये लगता है कि जैसे उनके लिए एक डोर टू रोमांस ओपन हो जाएगा, और आपके साथ बहुत तरह तरह के डिफरेंट डिफरेंट ड्रीम्स देखे हैं उन्होंने कि उनको ये करना है, आफ्टर मैरिज वो करना है, सारी खुशियाँ पानी हैं, और आपके साथ बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सोची हैं करने के लिए, आपको लेकर बहुत सारे सपने हैं उनके जो वो पूरा करना चाहते हैं, तो उनका इंटेंशन बहुत ही स्वीट है आपको लेकर। 33 नंबर का कार्ड है, हो सकता है कि आप दोनों की एज 33 हो, उनकी 33 हो, आपकी 23 हो, 25 हो या 28 हो, ये आपकी एज हो सकती है। एक कार्ड जंप आउट हुआ था, नीचे गिरा था, ये 52 नंबर का कार्ड है, गॉडेस ऑफ द मून, तो आपको बहुत खूबसूरत देखते हैं, आपके अंदर उनको कोई भी कमी नज़र नहीं आती है, आप उनके लाइफ पार्टनर हो, आप उनके ड्रीम कम ट्रू हो। तो फ्रेंड्स, ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट मूव और उनका इंटेंशन। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो, आपको क्लैरिटी मिली हो, आपको आंसर्स मिले हो। रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वेलकम कार्ड 3। हमारे जिन भी व्यूअर्स की चॉइस ये वाला येलो कलर का हार्ट है, चेक करते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है और उनका इंटेंशन आपके लिए क्या है। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज मेरी हेल्प करें। थैंक यू मेरे सभी असिस्टेंट मास्टर्स को, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स को, थैंक यू, प्लीज मेरी हेल्प करें। बॉटम ऑफ डेक नाइट ऑफ कॉइंस, द व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में, थ्री ऑफ सोर्ड्स। फ्रेंड्स, मे बी आप लोगों का कोई झगड़ा हुआ है, आप लोगों की हॉट टॉक हुई है, इस वजह से ये आपके पार्टनर थोड़े से मुझे सैड दिख रहे हैं, डरे हुए से दिख रहे हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से आप दोनों ही हर्ट हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है, मे बी आपने अब ये सोचा है कि आप उनके लिए अपने हथियार डाल दोगी, आप उनको फॉरगिव कर दोगी, क्षमा कर दोगी, अगर अब वो आपसे कुछ बात करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, तो आप उनकी बातों को दिल से नहीं लगाओगी, ये सोचकर आपने अपने हथियार डाल दिए हैं। एट ऑफ शॉर्ट्स, लेकिन ये दुविधा में हैं, ये दुविधा में हैं, चिंता में हैं कि ये आपको अप्रोच करें या नहीं करें। उनकी जो करंट फीलिंग्स है आपके लिए वो यही है, उनको ये लगता है कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन है जो आपके या उनके कान भरते हैं, आपको या उनको गलत डिसीजन चुनने के लिए बोलते हैं, गलत राय देते हैं दोनों को, तो वो काफ़ी ज़्यादा इस बात से दुखी हैं कि आप दूसरों की बातों में आ जाती हो। समटाइम वो दूसरों की बातों में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो एंजल है इसके अंदर दो स्वॉर्ड्स लगी हुई हैं। कोई हैं आपके पास आसपास लोग जो आप दोनों को खुश नहीं देखना चाहते हैं, आप दोनों को एक नहीं होने देना चाहते हैं, ये बात इनको आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा खलती है। तो अभी इस वक्त इनकी जो करंट फीलिंग्स है आपके लिए वो थोड़ी सी सैड वाली है, इंडिसाइसिव है, इनको ये लगता है कि ये फिर से आपके पास आएंगे और फिर से चीज़ें बिगड़ने लगेंगी। व्हील ऑफ फॉर्चून एंड नाइट ऑफ कॉइंस, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ सब सॉर्ट आउट हो जाएगा, सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी और एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी आप दोनों के बीच में, एक न्यू बिगनिंग होगी। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, क्योंकि ये हो सकता है कि एक कर्मा क्लिनजिंग हो या एक पैटर्न हो आप दोनों का, कुछ कार्मिक हो पास्ट लाइफ का जो अभी क्लियर हो रहा है। मे बी आप सम टाइम एक दूसरे को हर्ट करते हैं, एक दूसरे को पेन देते हैं, सो इस शायद कि वो पास्ट की कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों के बीच में आ जाती हैं, तो वहाँ पर थर्ड पार्टी भी अपना रोल प्ले कर देती है कभी कभी,
अच्छे करते हैं उनका आपके लिए नेक्स्ट मूव क्या होगा। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स। बॉटम ऑफ डेक मनी। तो यहाँ पर मनी का मतलब ये नहीं है कि आपको पैसा देने वाले हैं, इसका मतलब ये है कि आप दोनों लोग एक दूसरे के साथ, हो सकता है कि शॉपिंग करने जाएं या एक दूसरे के लिए कुछ गिफ्ट वगैरह लें। सर्विस, उनका जो नेक्स्ट एक्शन है आपके लिए, नेक्स्ट मूव है उनका सर्विस का है, वो आपको एक बेटर पैम्परिंग देना चाहते हैं। पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके हैं, पहले से काफ़ी ज़्यादा वाइज हो चुके हैं, आपको बहुत ही प्यार के साथ आगे अपनी लाइफ में लेके आने वाले हैं। देखिए यहाँ पर ऐसा होता ना कि जब कोई जेंटलमैन होता है, उसकी कार से कोई लेडी उतर रही होती है, तो वो आगे बढ़कर गेट खोलते हैं। तो इस वक्त इनको वही फीलिंग्स आ रही है कि ये आपको बहुत अधिक पैम्पर करेंगे, और तो इनका नेक्स्ट मूव भी यही होगा कि ये आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर करेंगे, बहुत गार्ड करेंगे। मैसेंजर, हो सकता है कि पहले इनका मैसेज आए आपके लिए, इनकी तरफ से कोई ईमेल या टेक्स्ट मैसेज ये आपको कर सकते हैं, अपोलॉजी कर सकते हैं, आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, और लाइफ में दोबारा एंटर करने के लिए आपसे इजाज़त ले सकते हैं। रीयूनियन, ये आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, हैप्पी टाइम चाहते हैं, ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं और ना ही ये आपको भूल पाएंगे। ये कितनी भी कोशिशें कर लें, आप दोनों के बीच में दरार नहीं पड़ सकती है किसी भी तरीके से। जॉयफुलनेस एंड कन्वर्सेशन, ये पहले की रीडिंग में भी निकल के आए थे दोनों कार्ड, तो आप दोनों बहुत अच्छी कन्वर्सेशन करने वाले हैं, हेल्दी कन्वर्सेशन होगी आप दोनों के बीच में, और जॉयफुल टाइम आप लोग स्पेंड करेंगे। चेक करते हैं उनका ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए। थैंक यू। वॉकिंग अवे, बॉटम ऑफ डेक डोर टू स्प्रिट, मैन होल्डिंग अ कॉइन। हो सकता है कि इनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी खराब हो, इस वजह से ये सोच रहे हों कि आप इनसे वॉक अवे कर लोगी, आप इनसे दूर चली जाओगी, लेकिन ये बहुत कुछ अर्न करना चाहते हैं, ये बहुत कुछ कमाना चाहते हैं, जिससे कि आप इनकी लाइफ में वापस से आ सको और इनके साथ रह सको। तो ये आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, और इसलिए ये बहुत हार्ड वर्क करेंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे, ये आपकी सभी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हैं, आपके साथ देखे गए सपनों को सच करना चाहते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने को तैयार हैं। तो ये है इनका ट्रू इंटेंशन आपके लिए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आपके आंसर्स मिले हों, आपको क्लैरिटी मिली हो, रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से करिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।